Oh fuck! बंद कर दिए यार, बड़ी स्मूथ मारता है यार। कर दूं पीछे गाइस, क्या है कि यार पीछे मस्त लग रही है यार, मतलब कि ओके ओए और आज हम सोलो हैं, अकेले, और देखते हैं क्या पीछे कर पाते हैं हम इन दोनों बाइकों को। क्या लगता है गाइस, क्या है आपका आइडिया? देख रहे हो गाइस, गियर इंडिकेशन गायब हो गया। टायर में हवा भी कम है यार। चलो भाई, ये बंदे देख रहे हो, ये वैष्णो देवी के लिए पैदल जा रहे हैं, पूरी यात्रा ना पैदल कंप्लीट कर रहे हैं, और हम लोग इतनी पास होने के बाद नहीं जा पाते यार। मैं यार इतनी दूर से पैदल आना भाई, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा चाहिए उसके लिए। NS 200 तो पीछे हो जाएगी, बस थोड़ी सी जगह मिल जाए ना। ये लीन ख़राब है गाइस, यहाँ पे स्लो होना पड़ेगा। ओए कर दूं पीछे गाइस, क्या हो जाएगी यार पीछे। आने तो हो गए पीछे, अब बारी है MT की। भाई टायर में हवा बहुत कम है यार। ऊपर जा रही है, आ जाओ भाई। अंकल कह रहे हैं वो ऊपर से कहीं से फंस गई थी बाइक में, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन हो गया था भाई, मैं तो भाई स्लो हो गया था पहले ही, और ये लोग पर बड़ी तेज़ आए थे, तो इनका पता नहीं, शायद होने वाला होगा किसी का क्रैश, तभी यहाँ पे वापस आए हैं। जल्दी भाई की वीडियो चेक करना आप। ओए सही है, जीवनदान पता है मुझे। इसकी शॉकर हार्ड है यार, बसते नहीं है पता है। मार गया था। तो कहता भाई हम लोग सारे यहाँ पे स्टंट पॉइंट पे, और यहाँ पे हम छोटे मोटे थोड़े थोड़े स्टंट करेंगे। EM बाइक शुरू हो चुके हैं, जतिन भाई की बाइक पे, आज अपनी बाइक लेके नहीं आए, एंड अभी बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉल मारी है एक R15 Version 2 ने, एंड बहुत सारे राइडर्स हैं आज हमारे साथ ग्रुप में। NS 200 भी है, MT 15 जतिन की आपने देखी हुई है भाई। एक मिनट रुक जाए, उसको बोल यार, ओए रुक जाए एक मिनट, ये देखो बस वेली स्टॉपी देख रहे हो नहीं भाई, बड़ी स्मूथ मारता है यार। गया, मारेगा क्या? ओह भाई आ गई इवन भाई की अपनी बाइक, अब देखना स्टंट्स आप यार। ओह ये कहाँ से आई है? अच्छा आप लेके आए थे, हाँ मुझे पता है। देखेगा इस बीच शॉपी, ओ सही है, ओपी बहुत ही नाइस यार। इस पे तो भाई पता नहीं कब से स्टंट करते हुए आ रहा है। रिकॉर्ड द व्हील ऑन MT 15 गाइस। स्टॉपी भाई सही था यार, स्मूथ था कितना। चेक करना गाइस, ये भी चेक करना, सही है ना।
मस्त लग रही है यार, मतलब कितने एक परफेक्ट तरीके से यार, परफेक्ट तरीके से। इसको बोलते हैं वन एंड वीली गाइस, ये होती है वन एंड वीली भाई। ये हमारे ट्रेनर हैं, इन सबके गुरु हमारे, मतलब इनके गुरु। देखो पे बच गया, भाई वेल्डिंग कंपटीशन होने वाला है, देखते हैं कौन जीतता है। ओए ओए आगे देख, आगे देख, आगे देख, आगे देखो। ओए आगे देख, आगे देख, आगे देख। ओए सो अब हम दोनों की व्हीली चेक करो साथ में। ओ फक, ओ फक, ओ यार शिट भाई, लगी तो नहीं यार, लगी तो नहीं भाई। एक भाई बंद करके उठाओ बंद कर दिए यार, स्टैंड लगाया स्टैंड। जल्दी लगी तो नहीं, निकल कितने लगी दिखा, हाथ दिखाना। लगी नहीं यार, लगने का सीन नहीं है। उठ निकल बैठ उसके पीछे। यार मैंने बोला भी यार आगे बाइक खड़ी है यार, कम से कम बीच में नहीं रुकना चाहिए था यार सच में। यार साइड पे रख के कर देते बीच में खड़े होके। पूरी क्रैश होगी देख रहे हैं इसका, यहाँ से तो कुछ रहा ही नहीं है, देख कुछ भी नहीं रहा यहाँ से यार। ये अभी एक्सीडेंट हुआ यार भाई, क्या खपे हो गया ना, पूरा पूरा खपे हो गया सीन यार। ये क्या हो गया, एक हैंडल भी गया ना उसका, देख हैंडल, देख हैंडल भी गया ना, टेटा हो गया। सब बच गया, बस बॉडी गई है। इसको अंदर कर यार, एक मिनट रुक जा, छो छो यार, साइड फेयरिंग गया बस। साइड फेयरिंग गया जतिन पूरा, इस साइड वाला वो तो जाएगी, इंश्योरेंस था ना भाई। चक्कर यार, चक्कर टाइम लग जाता है यार, और कोई इशू नहीं है। वो तो जाएगी ठीक, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा आपको पूरा एक साइड का। बड़ा कच्चा यार ये, बड़ा वही मैं पूछ रहा हूं। नहीं यार जतिन कैसे गिर गया देख रहा तू, बहुत गंदे तरीके से गिरी है यार। ये थोड़े ना मटेरियल, V3 का देखो आप, V3 का हार्ड है वो, तो मैं बोल रहा हूं V3 हार्ड है यार, वो तो मैं पहले बोलता हूं। तो हार्ड है ये देखो, ऐसा लग रहा प्लास्टिक जोड़ के लगाया, वो गत्ते जैसे लगाए हुए हैं, पता नहीं भाई क्या हो गया। इसको फिक्स कर बस यार, जतिन कोई सी काम करनी, इसको ले जा रहा हूं से घर यार। अगर तो भाई यही करो आप, इसको उठा के लेके चलते हो, उठा के नहीं चल जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं है चलने में। भाई ये खाली 1500 का, तो एक अकेला ये वाला, सिर्फ ये वाला 1500 का, ये इसकी ये अलग है, ये अलग अलग कवरिंग अलग है, ये वाली अलग है। 2000 का पार्ट है खाली यार ये वाला। इंश्योरेंस है ना आपके पास, बस इसी का टेंशन यार। टाइम लग जाता है लेकिन भाई, और कोई दिक्कत नहीं है यार, इंश्योरेंस में टाइम चला जाएगा बस, और कुछ काम करना है सुना तुम्हें, कोई सीन नहीं। आपने ब्लॉक करना होता है ना, मैं आपको बताता हूं भाई, एक वहां पे सर्वेयर भी निकल गया हुआ है क्या, सुनो सुनो, ये टूट गया नीचे से पूरा, पता है हैंडल कैसा लगा नीचे, हैंडल लगा पूरा नीचे, हां ये टूटा ना, ये क्या हैंडल तो टूट गया, ये पता किसको बजा, ये बजा शीशे को, भाई ये नीचे से अभी टूटा है, ये शीशे को बजा यार साले, अच्छा हो तेरे को लगी नहीं, बाकी एक बाइक का कुछ नहीं होता यार। हां एक मिनट कैसी बजी, एक मिनट दिखाना, क्या बोला तूने, खाना एक मिनट कैसी बजी, एक मिनट दिखाना। बाइक फिक्स करते हैं, इसको लेके जाते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है यार बाइक को बचाना, फेयरिंग अगर टूट रहेगा फिर जाएगी नहीं वो। घटना यार,
जैसे चढ़ाना पड़ेगा मैं बताऊंगा ना। अब निकालो तो पहले उसको खुद कर लेगा। चल चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है समझाने में। जिस भाई की तारीफ करता हूँ दूसरे दिन टूट गई, ये रेड वाली किसकी है भाई? भाई रहते भाई प्लीज। कल मैं बोल रहा था यार बड़ी सही बाइक है, बहुत अच्छी लुक है। मैंने पहले सेटअप करने और को बोला था एक बार, बड़ी अच्छी लग रही है यार। आगे जाके बता रहा है पापा कितने का होगा यार, पूछना यार। ये 1500 का है, 2000 का ये है, 2025 का पीस के यार। ये भी तो पड़ेगा, हैंडल सुनना टूटा, सेट करो टच हो रहा है। ये हो गया भाई, जैसे ये वाला हाथ और ये वाला डिफरेंस देखो, क्लोज है यार ये, देख के हम पता चला क्लोज है। माइनूट से ये पर क्लोज आता है ठीक। चलो आपने देना भाई, ये इंश्योरेंस से दे दो। वो ऐसी बिल्ड क्वालिटी है उसमें, बड़ी बेकार बिल्ड क्वालिटी है यार, मजाक के बिना। इतनी इतनी गंदी है ना, क्या बताऊं यार। हां की कसम, मैंने कहां-कहां से फेंकी नहीं है, वो भी मार दो भाई। उसमें ज्यादा स्क्रैच पड़ते, पता कुछ भी नहीं होता। इस साइड से पूरी गई है, बाकी ठीक है। पांव में लगी तो नहीं ना कहीं पे? नहीं मेरे को कहीं नहीं लगी है। सारे पता नहीं लग रहा था, कोई बता नहीं रहा है। मेरे को लगी नहीं यार भाई, लगी है। चले ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। अरे नहीं बिल्कुल नहीं लगी यार, खाली ये पुश पड़ा ना ये भाई। यार बड़े गंदे गिरे हो, क्या बात कर रहे हो यार। लगी यार हेलमेट पहना था मैं, उल्टा होके सीधा हो गया ना। इसके बंद थे आपके जो फेयरिंग है ना, वो फंस गया मेरा, फंस गया ना, तो वो उसने फेयरिंग खींच दी पूरी, फेयरिंग ही फंस गई यहां से ऊपर ही फंस गई यार। ब्रेक दो ना भाई, बस जल्दी जल्दी बाइक ठीक हो जाए। पता क्या चक्कर है यार, बाइक का इतना इशू नहीं होता। मेन इशू जो होता है ना, व्लॉग्स बंदा करता है ना यार, तो इंश्योरेंस में बॉडी में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, वो टाइम लगेगा तो भाई, इतना मेहनत करके करियर बनाया अपना यूट्यूब पे अपने, 25K इतनी मुश्किल से किए हैं वो सारे खप्पे। अब इतनी पता नहीं कब ये बाइक कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करा के देगी, कब जितनी भाई द्वारा व्लॉग बनाएंगे। बहुत ख़राब सीन है, और कोई इशू नहीं है। ये है ठीक है, ये है ठीक है। देखा पूरा निकल गया है, लेकिन टूटा नहीं है भाई, देख रहे हैं। पर यार ये पता नहीं क्या, एक टुकड़े निकलते जा रहे हैं, एक टुकड़ा। ये भी बड़ी मुश्किल से फिक्स किया, मतलब आराम से अभी, ताकि रास्ते में ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी यार पूरा टोटल इस साइड से पूरी फ्रेम टोटल डैमेज हो चुकी है। बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है यार R5 V4 की, यार V3 से कंपेयर करें अगर तो, लेकिन ठीक है ना यार। पर चल जो भी है बच गया, जतिन को कुछ नहीं हुआ, वो मेन चीज़ थी यार। बाकी फटाफट से इंश्योरेंस में क्लेम करवाएंगे, छोड़ते हैं कंपनी में बाइक को, और फिर देखते हैं कितना ही आता है खर्चा इसमें। थोड़ी सी हैंडल की भी अलाइनमेंट आउट हो चुकी है, तो वो खर्चा ज़्यादा है। फेयरिंग कुछ नहीं है यार, मैंने डलवाया था ना ये वाला जो मेन है, ये 1500 का यार मैंने अपनी बाइक में डलवाया था। 1500 का ये है, 1500 का वो होगा, 800 का अंदर वाला पार्ट है इसका, तो वो तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। ज़्यादा खर्चा जो आएगा वो हैंडल बार का ही आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है यार। ये अभी हुआ है, ये अभी हुआ है, ये अभी हुआ है। जितने का हेलमेट नहीं होती क्या होता यार। भाई को समझ नहीं आ रहा व्लॉग करूं कि नहीं करूं। जतिन भाई जो है वो ठीक है यार, वो उसको नहीं लगी तो हाँ, खुद भी वो है इस हालत में कि वो व्लॉग कर लेगा। वो बस नुकसान जो है बाइक को हुआ है। एंड भाई मैं बताऊं, सीधे बैक हिट होती है अगर वो कंट्रोल नहीं करता। उसने थोड़ी सी कंट्रोल की और बाहर निकाल ली तो वो बच गया। मैं एक बार कुछ ऐसा देख लूँ ना, तो मुझे डर ही लगता है बाइक लाने में तेज़। चलते नेस कैफे और भी जतिन से मिलते हैं, आपसे अब बात करते हैं, क्योंकि अभी तो लगी है ना, तो गर्म गर्म इतना दर्द नहीं हो रहा। भाई बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला क्रैश हुआ, बाइक एक साइड से पूरी टोटल डैमेज हो चुकी है। वो हाल दिखाओ ना, तो हेलमेट तो ऊपर से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हेलमेट नहीं होती तो भाई सर में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती। अभी जतिन भाई को बिठाया अलियान भाई के पीछे, वो मैंने कहा तू मत राइड कर, अभी बैठ जा यार आराम से। तो अभी अलियान भाई चला रहे हैं जतिन की बाइक, और जतिन भाई बैठे हैं अलियान के पीछे। मैंने कल भी आरएस राइड की थी यार, आरएस में ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आरएस का थ्रॉटल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस साइड से फेयरिंग देख रहे हो यार, कैसी हवा की वजह से पूरी बाहर आ गई है। ये हवा से बाहर आ रही है, इसको नीचे से बांधना पड़ेगा, ऊपर से तो बांधा था मैंने, अब उसको नीचे से बांधना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। पता है ऐसे तो कोई बात नहीं बनेगी।